देश के अंदर बदमाशी नहीं चलेगी, इस देश के अंदर लोकतंत्र से चलना पड़ेगा। इस देश के अंदर तुमको जाना है, तुम्हारी औकात है तो जाके चुनाव लड़ो, तुम्हारी औकात है तो जाके एमएलए का चुनाव लड़ो, पार्षद का चुनाव लड़के दिखाओ। तुम्हारी औकात नहीं है जंतर मंतर पे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने खुन मार जोड़ा, आ जाते हो इकट्ठे होके, साला 20 आदमी की औकात नहीं है। बात करते हो वर्ल्ड ऑर्डर की, साला अपने घर का चुनाव नहीं जीत सकते, पार्षद नहीं बन सकते, साला बात करोगे देश को बदलने की, झूठे हो, मक्कार हो, लालची हो, कमीने हो, लोगों को बरगड़ा रहे हो, लोगों को मरवा रहे हो और हमें सिखा रहे हो रिपोर्टिंग करना। अरे तुम्हारे जैसों को टांग पे रखते, जूती पे रखते हम लोग। मनोज सुराजी मेरा नाम है और आज कह रहा हूँ चैलेंज करके, इन जैसे फेक आदमियों को, इन जैसे एरोगेंट आदमियों को उखाड़ के नहीं फेंका। तो मेरा नाम भी मनोज सुराजी, मैम बेमिसाल। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। मैं बता दूं, एक धरना लगा हुआ है और धरना है जन आंदोलन अनशन धरना। ये धरना लगा हुआ है और ये धरना इस देश के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन सीधा सीधा ब्लंटली फैला रहा है। और जब सवाल पूछा जा रहा है तो इस तरह की बदतमीजी करने के लिए आ जाते हैं ये लोग। इनका जो तरुण कोठारी है वो महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है, और ये जो लोग हैं अगर हम बाहर खड़े होकर भी बात करेंगे तो ये बदतमीजी करने पर उतारू हो जाते हैं। महिला पत्रकार के साथ माइक छीना इन्होंने बदतमीजी करी। और ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि कोरोना से कोई मरा नहीं। हर परिवार में, हर फैमिली में जाके देखिए, हर घर में जाके देखिए, कोई ना कोई कोरोना से बीमार पड़ा था, लोग मरे हैं, उसको सच्चाई को नकार नहीं सकते। और ये बात कर रहे हैं, ये देखिए ये आए और सवाल पूछने पे फट जाती है इनकी, और ये बदतमीजी करने पे उतारू हो जाते हैं। ये देश में लोकतंत्र है, कोई सवाल पूछेगा, देश के अंदर लोकतंत्र है और सवाल पूछेंगे तो सवालों का जवाब देने से भाग जाते हैं। कह रहे हैं, महिला पत्रकार को कहते हैं कि मारो इसको, हटाओ इसको, बदतमीजी से बात करते हैं। अगर आपको जवाब नहीं देना तो मना कर दीजिए, हम हट जाएंगे, लेकिन 10 आदमी है नहीं, 20 आदमी की औकात नहीं है, 50 आदमी खड़े नहीं है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और जब सवाल पूछो तो बदतमीजी पे आ जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी बदमाशी चलेगी देश के अंदर। हम फौज बनाएंगे इस देश के अंदर, इस देश के अंदर पैरेलल फौजें बनेंगी, इस देश के अंदर लगातार लोग चलेंगे, इस देश के अंदर गुंडागर्दी चलेगी। 5 आदमी इकट्ठे कर लो, 10 आदमी इकट्ठे कर लो, धरना ले लो, डंडा उठा लो और मारो लोगों को। बदमाशी चल रही है इस देश के अंदर, इस औकात है इनके 20 आदमी बैठ के। ये 20 आदमी बैठ के महिलाओं से बदतमीजी करेंगे, ये जंतर मंतर पे आके बदतमीजी करेंगे। औकात है इनकी, इनकी औकात है इनकी, इनकी औकात है इनकी। ये 20 आदमी बैठ के कुछ भी बोलेंगे। लोकतंत्र का मतलब कुछ भी नहीं है। कल बोल दिया चांद पे चंद्रयान पहुंचा ही नहीं। हजारों आदमी वैज्ञानिक लगे, पूरा देश खड़ा हो गया एकटक होके। ये महाशय कह रहे हैं चांद पे चंद्रयान पहुंचा ही नहीं, ये महाशय कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। अरे ये मोबाइल चलाते हैं, साइंस से चलाते हैं, ये माइक पे बोलते हैं, उससे चलाते हैं, ये कुछ भी चलाते हैं। ये अब ये बात ये बच्चोदी कर रहे हैं, सीधा सीधा बोलूं, ये बच्चोदी कर रहे हैं। और बच्चोदी करके हमको समझ रहे हैं पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ। हम बेवकूफ नहीं है, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे तो हम फाड़ देंगे। हाँ, और मुझे लगता है कि इनको जवाब देना होगा, और जवाब बाइट के माध्यम से ही होगा। पेट में दर्द हो रहा है देखो मन से चिल्लाने लग गए। ये चिल्ला रहे हैं, डरपोक हैं, ये बदतमीजी से बात करने लगे और अब जब बात करी तो चिल्लाने लगे। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत। दादू की यहाँ पर अनशन लगा हुआ है जंतर मंतर पर, बहुत सारी मांगों को लेकर, फिर चाहे वो COVID-19 में जितने भी लोगों की जो है वो डेथ हुई, सरकार जो है वो कुछ इंक्रीजमेंट कर रही है महंगाई पर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये और भी पहले धरना दे चुके हैं 3-4 बार। तो क्या लगातार ये बस धरना देते रहेंगे? ये सरकार जो इनकी बातों को सिर्फ सुन रही है और इनके जो कागजात यहाँ से जाते हैं वो सिर्फ उसको देख के एक्साइट कर दे रही है, ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? क्या ये इतना अपना समय, कीमती समय जो है वो निकाल कर पूरे देश लोग यहाँ पर आते हैं, सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो मुद्दा वहीं का वहीं रह जाता है और इनको फिर आना पड़ता है, इनको आगे की रणनीति तैयार करनी पड़ती है, बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाना पड़ता है जो देश के अलग अलग कोने पर हैं। बातचीत करिए, सर क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मैं डॉक्टर कोठारी हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। बाकी आज के धरने में, आज के प्रोटेस्ट में
पूरे देश के अलग अलग प्रांतों से लोग आए हुए हैं। क्यों धरना दे रहे हैं? धरना हमारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ है। देश के प्रधानमंत्री जी अब तक कम से कम 50 बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शब्द बोल चुके हैं। कभी संसद में बोलते हैं, कभी बाहर बोलते हैं, कभी देश की मीडिया ने उनसे पूछा कि भैया ये आप जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कह रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, ये क्या चीज़ है? देश की मीडिया ने कभी भी इसका जवाब नहीं दिया। ये जितने मुद्दे यहाँ पर लिखे हुए 14 मुद्दे, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुद्दे हैं। इस नया वैश्विक धर्म के खिलाफ जो कि हमारे पर थोपा जा रहा है, ये आज का प्रोटेस्ट था, ये आज की माय डिमांड। पिछले भी आप अगर हम देखें तो 3-4 बार धरना दे चुके हैं, जंतर मंतर पर आ चुके हैं, आने का सिलसिला कब तक रहेगा? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा यही काम चलता रहे। सरकारों का निर्माण जनता करती है, सरकारों का प्रलय और समान जो जब चाहे सरकारों को जनता ध्वस्त कर सकती है। इस देश में एक क्रांति आने वाली है, देश क्रांति की दहलीज पर खड़ा हुआ है। अगर इस प्रकार से सरकारें बात नहीं मानेगी तो निश्चित तौर से मान के चलिए कि सरकारें कोई भी हो, कैसी भी हो, ये ज़्यादा लंबे दिन तक टिकने वाली है। क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या संकेत दे रहे हैं आप? संकेत बहुत ही स्पष्ट है हमारा, देश की जनता इस देश में अपना शासन चाहती है, न कि विदेशी षड्यंत्रकारी ताकतों का शासन हमारे देश के अंदर चले। विदेशी ताकतें कहती हैं कि लॉकडाउन लगेगा तो हमारे देश में लॉकडाउन लगेगा, वो कहते हैं कि जी वैक्सीन लगेगा तो हमारे देश के अंदर वैक्सीन लगेगा, वो कहते हैं कि जी वर्ल्ड हेल्थ टिटी लगेगी तो वो टिटी बनेगी। इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है, जो वो चाहते हैं वो हमारे देश के अंदर कानून बने। अभी मैं आपको 2 कानून की बात बताता हूँ। अभी G20 की वजह से लॉकडाउन लगाया जा रहा है 3 दिन का। हाँ, ये देखिए आपके सामने छोटी छोटी बातों पर लॉकडाउन लगेगा, छोटी सी बात होगी, G20 छोटी बात। क्या इस देश के अंदर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं? क्या इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं? क्या पहले कभी कोई मीटिंग नहीं हुई? क्या इस प्रकार से लॉकडाउन लगाया जाता है? तो इसका मतलब क्या आप उनको सुरक्षा देने के लिए देश का तंत्र बंद कर देंगे, देश की इकोनॉमी खत्म कर देंगे, तब जाके मीटिंग करेंगे? तो इससे बढ़िया तो मत करो भाई, अगर तुम्हारे पास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो, और करना ही तो किसी जंगल में जाकर कर लो, YouTube से बाकी मीडिया से लोग देख ही लेंगे उसके अंदर। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने का तरीका है, धीरे धीरे हर चीज़ पे, हर बात पे लॉकडाउन लगेगा, आपको घर के अंदर बैठाया जाएगा, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल करेंसी, आपको डिजिटल करेंसी। दिक्कत क्या है वर्क फ्रॉम होम? आपको गुलाम बनने की ग्रेजुअली ट्रेनिंग दे रहे हैं, धीरे 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 गुलामी का डोज दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पूरा गुलाम हो जाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का धोखा आप बता रहे हैं, कैसे? जो हमारा जो देश जो है स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब खुद का तंत्र होना चाहिए। 47 में हो गया था? नहीं, तभी जो था 2 डोमिनियन बने थे, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, मतलब ब्रिटिश आधिपत्य में ही रहे। ये गलत फहमी है कि पूरे स्वतंत्र मिली है, डोमिनियन स्टेटस मिला है। डोमिनियन स्टेटस मतलब ये जो सरकार है गुलाम भारत की सरकार है। 26 जगह पे हमारे संविधान में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया, और ये 75 साल में किसी ने क्वेश्चन नहीं किया है और किसी ने आंसर भी नहीं किया है। लेकिन ये सुधरना पड़ेगा, हमें स्वतंत्र रहना है, परतंत्र नहीं रहना। लॉकडाउन में मुआवजा मांग रहे हैं, जो भी नुकसान हुआ, सरकार भी तो जूझ ही रही थी ना समस्या। वायरस खिड़की दरवाजे से घुसता नहीं है, ये पूरा मनगढ़ंत फर्जी महामारी थी, और फर्जी महामारी का नाम लेके लॉकडाउन किया गया, भय फैला के लोगों को मारा गया, वायरस से मरे नहीं, भय से लोग मरे हैं। अरे आप वाकिफ नहीं है क्या? अगर कोई भी कहीं पर भी आप देख लेते, टीवी खोल के देख लेते, तो स्थितियां इतना नाजुक थी कि लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे। जो पेड मीडिया है, पेड मीडिया है, अभी जो मीडिया चल रहा है, बहुत से जो मीडिया है पेड मीडिया है, उनको ये जो फार्मा कंपनीज है, गवर्नमेंट है, वो पैसा दे के या कुछ लालच दे के उनको सब छपवाती है। वो पैसा दे के, लालच दे के उसको छपवा दिया और बोली कि आओ कोरोना तुम आ जाओ। नहीं, लालच देके के भाई वैक्सीन की मार्केटिंग की, पूरी वैक्सीन की मार्केटिंग की। तो वैक्सीन की मार्केटिंग कब होगी, जब बीमारी होगी? कोई रिसर्च नहीं हुआ इतनी जल्दी, रिसर्च नहीं हुआ वैक्सीन के ऊपर, मैडम इतनी जल्दी कैसे वैक्सीन आ गई आप मुझे बताइए, तो प्री प्लानिंग थी। अच्छा, अगर एक कोविड आ गया, सुनिए पहले सवाल सुन लीजिए, कोविड आ गया उसके बाद सरकार इतनी मेहनत करके किसी तरीके से वैक्सीन बनवाई। अरे मेरी सवाल सुन लीजिए, और जो है वो कोई कोविड जो उसको बाहर से बुलाया, किसी वायरस को बुलाया जा सकता है? सुनिए, किसी भी वायरस से लड़ने के लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल, वायरस को बुलाया जा सकता है, प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है मैडम, ये सब प्लानिंग था। वायरस को बुलाया जा सकता है मैडम, बिल्कुल ट्रांसमिट किया जा सकता है 1% होने तक भारत के। मैडम मैं यही तो कह रही हूँ ना, ये जो वैक्सीन का जो बवंडर बनाया है, वैक्सीन ना होती तो क्या होता मैडम, मैं बता
बताती हूँ, इस वैक्सीन से इतने साइड इफेक्ट हुए हैं, समय से पहले वैक्सीन कोरोना के लिए वैक्सीन आ गई, वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो रहा है, मुझे साइड इफेक्ट हुआ है। आई गॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर द 15 डेज, फॉर द 15 डेज आई गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड द रीजन भी बताइए सरकार कोरोना को बुला ली। बायोलॉजिकल वार जो है अमेरिका की देन है, बायोलॉजिकल वार, और अमेरिका की दादागिरी जो है ना 2016 से आज तक 1/3 हो चुकी है, और अब अमेरिका ने यूक्रेन को नोबेल प्राइज दिया था 2022 में, अमेरिका ने यूक्रेन को नोबेल प्राइज दिया था और उसका गिफ्ट दिया साथ में कि आज तक मैं बता रहा हूँ अमेरिका ने यूक्रेन दिया भारत को, यूक्रेन दिया अभी आप कहाँ हाँ अभी कहाँ मैं यहाँ हूँ भारत में है, अमेरिका के दुष्परिणाम यहाँ भी है। अमेरिका की ग्लोबल कंपनीज भारत वर्ष को चलाती है, वर्ल्ड सरकार क्या करेगी, हम करेंगे, हमें अधिकार दो, हमारी पंचायतों को अधिकार दो, गला काटना बंद करो, हमें अपना सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सिर्फ 3 काम है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सिर्फ 3 काम है, 3 काम है सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के, डिफेंस एट बॉर्डर, फॉरेन अफेयर, कंट्रोल ऑफ कॉरपोरेट वर्ल्ड, कंट्रोल ऑफ कॉरपोरेट वर्ल्ड, इसके अलावा सरकार का कोई काम नहीं, हम अपने जिले लेवल पर अपने काम खुद करेंगे, सरकार के 3 काम है, हम बताएंगे, गांधी जी ने 1948 में तावीज लिखा था, सरकार को कुछ नहीं पता, गुलाम है, अंग्रेजी आजादी मिली ही नहीं 1547 को, तो गुलामों से हम भीख मांगेंगे क्या, ये गुलाम है, सरकार बैठ के गुलामों से हम भीख नहीं मांगेंगे, है सरकार नहीं संभाल रही, 9 साल बेमिसाल संभाल रही होती, देश संभाल रही होती, वो सिर्फ मार्केटिंग है, पैसा कमाने का टेक्नोलॉजी है, सिर्फ ये उनका आईटी सेल की करामत है, पैसा कमाने का तरीका है, ये इतने लोग अभी जो है उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, जॉब गए हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं है, सिर्फ ये मनगढ़ंत बातें हैं, पूरा इनका जितना आदमी जितना फेंक सकता है उतना CM PM बन सकता है, सिर्फ फेंकने की कला आनी चाहिए, और भारत की जो प्रजा भोली भाली है वो फंस जाती है, बार बार फंस जाती है, उनको भोलेपन में से बाहर आना पड़ेगा। ये अभी ये चंद्रयान एकदम पूरा फेक यान था, पूरा फेकोलॉजी था, 200% फेक, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगी। अच्छा ये बताइए सरकार कई 9 साल चंद्रयान जो है मैम बेमिसाल।